तो नेशनल पार्क्स के जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि आप जो है वो उसके जो इंटेग्रिटी है, उसके साइंटिफिक और कल्चरल वैल्यू है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। दीज आर दी लोकेशन ऑफ सम ऑफ दी नेशनल पार्क्स इन पाकिस्तान। ये नंबर दिए हुए हैं, एक्चुअली ये पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं। वी आर गोइंग टू व्यू द लिस्ट ऑफ दोज नेशनल पार्क नाउ। आप ये देखिएगा कि अच्छा सारे नेशनल पार्क से कोई ना कोई स्पेशल फीचर हैं, अभी हम वो भी देखेंगे, उसके बाद के नेशनल पार्क से क्या क्या स्पेशल फीचर हैं उनमें से कुछ को हम देख लेंगे, ठीक है। वैसे 20 by 20 से ऊपर हैं आई थिंक टोटल नंबर ऑफ पार्क, तो वी जस्ट गोइंग टू व्यू सम ऑफ देम। अयूबिया नेशनल पार्क है, मरी के करीब एक जगह है अयूबिया, वहाँ पर है। अयूबिया नेशनल पार्क 931 हेक्टेयर का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में ही आता है, पंजाब में है। फिर है संदूर, संदूर फंडर नेशनल पार्क 2012 इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 2012। 3,300 हेक्टेयर का एरिया है इसका, ठीक है, यानी 8,000 एकड़ के ऊपर इसकी जमीन फैली हुई है। आप अगर इमेजिन करना चाहें 8,000 एकड़ कितनी बड़ी जगह होती है, तो कराची नशीब से समझ लें कि 8 गुना बड़ी जगह होगी, ठीक है। संदूर नेशनल पार्क, संदूर फंदर नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट गिजर है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान देखिए पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस है, ठीक है। ब्रोगिल वैली नेशनल पार्क, द ब्रोगिल वैली नेशनल पार्क 2010 में ये बना था, ठीक है, केपीके का इलाका है, 3,32,000 एकड़ पे ये फैला हुआ है, ठीक है, वेरी ह्यूज एरिया, 3,32,000 एकड़। चित्राल में ये वाकई सेंट्रल काराकोरम नेशनल पार्क, सेंट्रल काराकोरम नेशनल पार्क बहुत पहले डिक्लेयर हुआ था, 1993 में डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। 34 लाख एकड़ जमीन है, बहुत बड़ा एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इलाका है जो है वो इसमें ये वाकई है। चिंगी नेशनल पार्क, ठीक है, चिंगी नेशनल पार्क जो है वो 1987 में था, 15,000 एकड़ की जमीन है। चकवाल डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, यहाँ पर ये वाकई है, ठीक है। चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क 1984 में डिक्लेयर हुआ था, चित्राल में है ये। देसाई नेशनल पार्क गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू के इलाके में वाकई है। देवा वटाला नेशनल पार्क है, 2009 में डिक्लेयर हुआ था, ये आज़ाद कश्मीर में है। गुरेज मस्ट डियर नेशनल पार्क, ये नीलम वैली आज़ाद कश्मीर का इलाका है, 1,30,000 एकड़ पे बहुत बड़ा पार्क है। हजरगंजी नेशनल पार्क ये क्वेटा में है, बलूचिस्तान में, ठीक है, ये इसका भी खासा बड़ा रकबा है, 1980 में डिक्लेयर हुआ था। ये हिंगोल नेशनल पार्क 1988 में डिक्लेयर हुआ था, 4 लाख एकड़, बहुत बड़ा एरिया है इसका, 4 लाख एकड़। और आवरान ग्वादर लगबेला का बहुत बड़ा इलाका जो है वो बलूचिस्तान का इसमें नेशनल पार्क में है। K2 नेशनल पार्क, इसका भी बहुत बड़ा एरिया है, 5,76,000 एकड़ का एरिया है, ठीक है। और गिलगित बल्तिस्तान में ये वाकई है, K2 नेशनल पार्क, K2 के माउंटेन के वहाँ पर है, ठीक है। काला चिट्टा नेशनल पार्क है, 91,000 एकड़ पे है, अटक पंजाब में ये वाकई है। कुंजराब नेशनल पार्क भी बहुत बड़ा एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, 5,60,000 एकड़, बहुत पहले ये डिक्लेयर हुआ था 1975 में। तो कुंजराब नेशनल पार्क जो है बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे ये वाकई है। कीर्थन नेशनल पार्क सिंध के दादू डिस्ट्रिक्ट में है वाकई है, कराची से बहुत ही करीब एरिया है, बहुत बड़ा इलाका है, 7,62,000 एकड़। इसको कुछ एरिया को खतरा भी लाख है, ये जो भैरिया टाउन जो बना है, भैरिया टाउन ने इसके कुछ एरिया कीर्थन नेशनल पार्क के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, ठीक है, जो कि इलीगल है, जिससे कीर्थन नेशनल पार्क को नुकसान पहुंच सकता है। लाल सुहाना नेशनल पार्क
ठीक है, लाल सुहाना नेशनल पार्क जो है वो भावलपुर में वाकई है, ठीक है, 87,000 हेक्टर यानी तकरीबन 1.5 लाख एकड़ के करीब जगह बनती है, 1.5 लाख से ऊपर, 1.25 लाख के करीब ये बनता है। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क है इस्लामाबाद में, सबने देखा तो सुन रखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो सुना सबने होगा, इस्लामाबाद से मार्गला की पहाड़ियां नजर आती हैं जो ये वाक्य है, ठीक है। मरीकोटली सत्या जो है ये कहुटा नेशनल पार्क है, रावलपिंडी के इलाके में है और 1,42,000 हेक्टर एकड़ के ऊपर है। पी लसूरा नेशनल पार्क दिस इज इन आजाद कश्मीर, पूंछ रिवर महासी नेशनल पार्क है ये भी आजाद कश्मीर में वाकई है, कुरुम्बर नेशनल पार्क ये गिलगित बल्तिस्तान में है, ठीक है। इसी तरह से सैफुल मुलुक नेशनल पार्क, लेक सैफुल मुलुक, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पड़ती है केपी के में, शेख बुद्दीन नेशनल पार्क है डेयर इस्माइल खान केपी के में, और टोली पीर नेशनल पार्क, ठीक है। ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि पाकिस्तान में जो है वो पाए जाते हैं। अब मैं आपको नेशनल इनमें से चंद नेशनल पार्क के बारे में जो है वो कुछ थोड़ा सा आपको जो है वो बताता हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, सो दिस इज द कीर्थर नेशनल पार्क। कीर्थर नेशनल पार्क जो है वो 3 लाख हेक्टर का ये एरिया है, और यहाँ पर जो है वो जो कि यहाँ की की स्टोन स्पीसीज है वो सिंध आइबेक्स है। ओके, सिंध आइबेक्स इज द की स्टोन स्पीसीज हो ये, और इस पार्क की क्या खासियत है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्क इन पाकिस्तान। ओके, एस्टैब्लिश्ड इन 1970, लोकेटेड इन सिंध, ये कराची के बिल्कुल करीब का एरिया है, यहाँ से सिर्फ 1-1.5 घंटे की ड्राइव है कराची से, जो जिसमें आप जो है वो जहाँ पर ये जाके आप उसको देख सकते हैं। और सिंध आइबेक्स जो यहाँ का की स्टोन स्पीसीज है, ठीक है, वाइल्ड गोट एंड शीप जो है वो सिंध की उनको प्रोटेक्ट करता है ये। 26 स्पीसीज ऑफ मैमल्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया इंक्लूडिंग द सिंध आइबेक्स, चिंकारा, जैकाल, हाइना, जंगल कैट्स, लेपर्ड, पेंगोलिन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, लेपर्ड, पेंगोलिन, पॉर्क्यूपाइन एंड मॉन्गूस, ठीक है। मॉन्गूस आप लोग जानते हैं, पेंगोलिन, और पेंगोलिन तो एक स्केली एनिमल होता है जो कि एंट्स वगैरह को खाते हैं जमीन में से, ठीक है। और पॉर्क्यूपाइन जो है वो एक कांटेदार जानवर होता है, ये आप लोग सब जानते होंगे इसके बारे में। मॉन्गूज जो होता है वो नेवले को कहते हैं। बर्ड्स इंक्लूड 58 होपो वार्बलर, किंगफिशर एंड ईगल्स, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ 58 स्पीसीज हैं बर्ड्स की जो है वो जो यहाँ पर पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स जो है वो लिजर्ड्स हैं, कीकोज हैं, कैमेलियन, ये सब लिजर्ड की फैमिली से ही सारे ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। टर्टल्स, टॉर्टोइस और स्नेक्स वगैरह भी जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये है K2 नेशनल पार्क। K2 नेशनल पार्क जो है ये बहुत बड़ा एरिया है, यू नो अबाउट द K2 माउंटेन, ठीक है। तो K2 माउंटेन का को पूरे को जो वो K2 नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, और के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एक आई डोंट नो इसको इसको ये ऊपर की इसको स्क्रीन को हाइड कैसे करते हैं। तो हाइड दिस, तो K2 इज द
वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद, सेकंड नंबर K2 का, ठीक है, 8,600 मीटर जो है ये बुलंद है। तो दिस इज स्कर्दू के एरिया में पाया जाता है। K2 is known as a savage mountain due to the difficulty of ascent and the second highest death rate among the 8,000ers for those who climb it. ठीक है, तो ये जो है बहुत मुश्किल जगह है, इसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। For all for having reached the अच्छा ये जो है K2 के बारे में थोड़ा सा, यह पंजराब नेशनल पार्क है, ठीक है। पंजराब नेशनल पार्क भी गिलगित इसका बल्तिस्तान में पाया जाता है, ऑन दी पाक चाइना बॉर्डर, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट द मार्को पोलो शीप, ठीक है, लोकेटेड इन द गिलगित बल्तिस्तान ऑफ पाकिस्तान। ओके, पंजराब नेशनल पार्क इज पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट, नहीं थर्ड लार्जेस्ट तो वो था आई थिंक जो है इसका, अब एरिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, तो ये थर्ड आई थिंक दिस इज फोर्थ लार्जेस्ट होना चाहिए इसको, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979, ठीक है, बाय द प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये मार्को पोलो शीप जो है वो यहाँ पर, यहाँ की की स्पीसीज हैं, इसके अलावा स्नो लेपर्ड हैं और दीगर स्पीसीज हैं, ठीक है। Include Bharal, the snow leopard, and the Himalayan ibex, wild ass, brown bear, ये तमाम species यहाँ पाई जाती हैं, golden eagle, vulture, marsh harrier, Eurasian sparrowhawk, sparrow and hawk are the bird species that are found in this area. देखिए Hingol National Park, ये इसका इस तरह से, it's a very beautiful and unique type of habitat, Hingol National Park, ठीक है। अच्छा, Hingol नेशनल पार्क, इट प्रोटेक्ट्स 1650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। अच्छा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, ठीक है। इट इज नोन टू सपोर्ट एटलीस्ट 35 स्पीसीज ऑफ मैमल एंड 65 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एंड 185 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ओके। तो Hingol नेशनल पार्क जो है वो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, लाइक अ मैजिकल प्लेस। इसके बारे में I've never seen been there but lot of people have told about the beauty, the rare type of beauty of the Hingol National Park, ठीक है। The park forms an excellent habitat to wilds in the ibex, afghan odial and chinkara gazelle, ठीक है। Total population estimated over 3,000 of these animals are estimated to be there. Broghill Valley National Park, ठीक है, ये जो है KPK में वाके है, पाक अफगान बॉर्डर के पास है, ठीक है। Broghill Valley enhances many lakes and mountains attraction which are unique from all over the world, although it is yet not explored by the international local tourist, okay. So Broghill एक बहुत ही remote area है, Broghill National Park is a unique area. It is established in 2010, okay, in KPK. So 1,34,000 hectares ka area, bahut bada area iska. Okay, so the animals over there are the ibex, wolves, snow leopard, white and brown bear, sorry, it should be black and brown bear, okay. Fox, rabbits, marmots, and many more wild animals. The bird species are hawks, eagles, falcons, and pheasants, partridges, hoopoes, larks, sparrows, quails, doves, swallows, starlings. ये सारे animals हैं वो birds यहाँ पर पाए जाते हैं. Nightingales, crows, and vultures भी इस area में पाए जाते हैं. लाल सुहाना नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क है जो कि पाया जाता है बहावलपुर में, ठीक है। ब्लैक बक यहाँ की स्पीसीज है, ठीक
लाल सोना नेशनल पार्क जो है वो उसको गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है कि इसको एक वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में कन्वर्ट कर दे, एक सफारी पार्क, यू नो अबाउट इट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972, ठीक है, लोकेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। लाल सोना नेशनल पार्क इज कवर्ड कवर्स एरिया ऑफ 1,53,000 acres, सो इट्स अ लार्ज एरिया। ओके, द मेन पर्पस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस पार्क इज टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट। द एनिमल्स दे इंक्लूड द ब्लैक बक्स, देन देर आर अदर एनिमल्स प्रेजेंट इन दिस। 302 स्पीसीज जो है प्लांट्स की यहाँ पर पाई जाती हैं। 119 स्पीसीज जो है वो बर्ड्स की पाई जाती हैं। 27 species of reptile and 3 amphibian species are present, and 23 species of freshwater fish are also present in this area. Okay, mammals include the black buck, kinkara, nilgai, caracal, jackal, and wild boar. These are the animals. Okay. Kurumbur National Park, it is another national park in the northern areas of Pakistan. Then there is Mari Koti Satya Kauta National Park. This is present near Mari. Okay. Ayubia National Park, also present near Mari. Okay. So these are the areas, different. These were some of the national parks of Pakistan. Okay. In the next class, we are going to discuss more about the protected areas of Pakistan, including the wildlife sanctuaries and the game reserves. So, in Pakistan, mainly we have these three types of protected areas: the wildlife sanctuaries and the game reserves and the national parks. तो हम नेक्स्ट जो है उसमें जो है वो इनको भी डिस्कस करेंगे, गेम रिजर्व्स को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।